सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिसफुल कल्पना। और मैं हूँ कल्पना। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे जहाँ भी हैं। तो आज की हॉल वीडियो किस बारे में होने वाली है आपको थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा, इसीलिए तो आप एंटर किए हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर इस वीडियो के मेन फीचर बता देती हूँ कि आपको क्यों देखनी चाहिए ये वीडियो। आज के प्रोडक्ट होने वाले हैं अफोर्डेबल प्लस यूनिक प्लस यूज़फुल, आपकी लाइफ को बहुत ईजी बना देंगे। बहुत ही ज़्यादा सुपर प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सभी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहते हैं परचेज करना तो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। आज मैं बैठ गई हूँ आराम से बेड पे सारा सामान लेके और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आई एम श्योर आपको भी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ज़रूर से पसंद आ जाएगा, इसकी मुझे गारंटी है। तो चलिए बातें कर लेते हैं, काम आपको दिखाना शुरू करती हूँ वन बाय वन ये प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ले लेते हैं, चलिए ये दिखा देती हूँ। तो ये क्या है, ये है फोल्डेबल बैग, फोल्डेबल ग्रॉसरी बैग है ये, देख लीजिए आप। इसी टाइप के पैकेजिंग में आया था ये एंड इसी टाइप से ना फोल्ड हो जाता है ये। देखो पहले तो आप ये दिया हुआ है ना, इसको आप ऐसे करके ना फोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे फोल्डेबल जाता है और बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको किसी भी बैग में रख के ले जा सकते हैं। एंड इसमें तो इन्होंने ग्रोसरी के लिए बोल रखा है लेकिन आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ये कुछ इस टाइप का बैग है, काफ़ी बड़ा है ये, देखो ऐसे हो जाता है ये। और ये है इसके हैंडल और बीच में आपको ये जिप दिख मिल जाएगी एंड ये हो जाता है ये अनफोल्ड। एंड ये कुछ इस टाइप से अनफोल्ड हो जाता है एंड साथ में ही इसमें आपको सेंटर में जिप मिल जाती है जो खुलने के बाद ये देखो कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो ये कुछ इस टाइप का बैग हो जाएगा, ये देखो कितना प्यारा, मैंने तो इस पैटर्न में मंगाया। इसमें ना दो तीन और भी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जो भी आपको पसंद आ जाएगा। मटेरियल की बात कर लेते हैं तो इसका मटेरियल देखो थोड़ा ना प्लास्टिक नहीं है, ये जो बैग बनते हैं ना जिस फैब्रिक के उसी फैब्रिक का दिया हुआ है। स्टिचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी हुई है एंड ये हैंडल भी ना आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, आप ना इन्हें बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हैं। आफ्टर यूज इसको आप जस्ट पुल कीजिए, वापस से ये ऐसे सेट हो जाएगा एंड इसको आप फोल्ड करके वापस बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू आप इसको वापस बंद कर सकते हैं, रफली बंद किया है मैंने, आप प्रॉपर वैसे ही बंद हो जाता है जैसे ये अनबॉक्स किया था मैंने। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा, अकॉर्डिंग टू प्राइस भी बहुत अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल भी होने वाला है। एंड यस, आज की लाइफ में ऐसा प्रोडक्ट होना तो ज़रूरी है यार अपने पास भी। तो ये हो गया है, हाईली रिकमेंड, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बाय कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या है। ओके, अगेन एक और अमेजिंग आइटम है जो कि आप देख के ना मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। सो ये है, क्या है ये देख लो, ये है कान साफ करने का यंत्र। तो ये है कान साफ करने का, ईयर वैक्स साफ करने की मशीन है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी अफोर्डेबल मिली, अंडर 99 में ये यार ये कुछ। तो ये देखो ये कुछ इस टाइप की है, इसके साथ दो क्लिप और भी मिली हैं, पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो ये कुछ इस टाइप का हमको मिलता है, इसमें ये मिलता है, इसके अंदर लाइट जलती है, देखो आपको दिख पा रही होगी लाइट। इससे क्या है, अगर हम बच्चे का होते हैं ना, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जिसके, तो अगर हम उसको कान साफ करना है ना तो इससे लाइट जलती है तो इससे हम कान के अंदर आराम से दिख जाता है। मैंने इसे यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखो चिमटी सी तरह लगा रखा है, ठीक है। तो एक तो ये पिन मिलती है इसके साथ, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे डिटैच हो जाती है आराम से। इसके साथ दो और मिलती हैं और वो किस टाइप की हैं ये देखो आप, ये देखो कुछ इस टाइप की मिलती हैं ये, ठीक है, ये कुछ इस टाइप की मिलती हैं। तो इसको भी आप आराम से अटैच करके एंड ये लाइट ब्लिंक करते हैं, ये देखो बहुत आराम से यूज़ हो जाता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट इसका ये आगे का प्लास्टिक दिया हुआ है, काफ़ी हैंडी है। तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा, बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है, डेफिनेटली बाय करना अगर आपके अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी, अगर आपके पास बच्चे हैं घर में तो। चलिए बढ़ती हूँ आगे, दिखाती हूँ अगेन एक अमेजिंग सा प्रोडक्ट, तो ये देख लीजिए हैं अब। तो चलिए ये दिखा देती हूँ अब आपको। तो ये क्या है, ये है एक किचन अलार्म क्लॉक, किचन टाइमर अलार्म क्लॉक, ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ऐसे ही पैकेजिंग में आई थी एकदम अच्छी सी, ये इसका मैनुअल वगैरह है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं कैसे ये वर्क करेगी। इसके अंदर बैटरीज डलती हैं मेनली, ये देख लो पीछे से इन्होंने ना ऐसे दिया हुआ है। और इसके अंदर ये दो बैटरीज डलती हैं जो हमारे रिमोट वगैरह में डलती हैं ना, बस वही डली हैं। अब इस ये देखो
ठीक है, तो ये इसमें टाइम हम सेट कर सकते हैं आराम से। इसके फीचर बताऊंगी ना आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखो, एक तो इसमें मैग्नेट लगी हुई है, आप इसे किचन में फ्रिज पे लगा सकते हैं या अलमीरा पे, कमरे में जहाँ आपको यूज़ करना है वहाँ कर सकते हैं। मैग्नेट है साथ में, अगर आपको टेबल पे रखना है तो ये साथ में आपको ना इसके ये मिल जाता है, तो आप इसको आराम से टेबल पे रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कलर कितना मतलब आई सूदिंग एकदम कलर है। इसमें क्या है, तीन मोड मिलेंगे आपको। एक तो ये टाइमर है, टाइम लगाता है जो आपको टाइम बताएगा। सेकेंडली इसमें आप अलार्म लगा सकते हैं, एंड थर्ड इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये तीन मोड पर काम करती है। बहुत ही अमेजिंग ये प्रोडक्ट है। मैंने क्यों परचेज किया, एक्चुअली मेरा किचन थोड़ा कमरे से दूर है, तो कई बार मैं कुछ सामान रखती हूँ ना, दूध रखने के लिए आती हूँ, तो वो ना उबल के कई बार गिर जाता है, तो ये मेरे बहुत काम आती है। मैं इसमें अलार्म सेट कराती हूँ फटाफट, आगे के 2 मिनट का, कि फटाफट मुझे पता चल जाए। केस अगर मैं भूल जाती हूँ कि मैं किचन में क्या रख के आई हूँ, तो फटाफट से अलार्म बज जाता है और मैं भाग के चली जाती हूँ। तो मैंने तो इसलिए यूज़ करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं यार, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कैसे यूज़ करना है, बट हाँ प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। चलिए तो करते हैं साइड, अब दिखाती हूँ अगेन एक बहुत ही प्यारा यूज़फुल प्रोडक्ट। ओके, सो आप इतनी देर से देख रहे हैं क्या रखा हुआ है, तो यही दिखा देती हूँ। ये मैंने मंगाया है अपने बच्चों के लिए। ये क्या है, ये मिलेगा आपको बोर्ड। ये देखो, ब्लैक बोर्ड होता है ना एक्चुअली, ये उसी टाइप का है, और ये मिलता है इस पैटर्न में, जो हमको वॉल मिलते हैं ना, वॉल पेपर मिलते हैं होम डेकोर के लिए, उसी मटेरियल पे दिया हुआ है। काफ़ी थिक और अच्छा दिया हुआ है। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने अलमीरा पे लगा चुकी हूँ, और मेरे बच्चे बहुत यूज़ करते हैं इसको, तो आप इसको ना कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। इस पे आप चौक से आपके बच्चे आराम से लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं डस्टर से। बहुत चल रहा है, मैं 1 महीने से कम से कम से यूज़ कर चुकी हूँ, एंड मैंने तो इसको ना काट लिया है, और मैंने ना आपको साइड में स्क्रीन पे शो भी किया है कि मेरे बच्चे कैसे यूज़ कर रहे हैं। बाकी मैंने इसको काट लिया है, देखो तो काफ़ी अच्छा इसकी लंबाई चौड़ाई मिली है मुझे। मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी है जो भी इसका मुझे लंबाई चौड़ाई में मिला है। बस पीछे से इसको हटाना है, और जहाँ भी आप चाहें स्टिक कर सकते हैं इसको। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे, एंड मैंने इसको आधा तो जैसे कि बताया अलमीरा पे लगा लिया है। बाकी मैं इसको सोच रही हूँ कहाँ यूज़ करूँ, तो मैं ना इसके छोटे छोटे ना कट्स करके अपने कंटेनर्स पे लगा लूँगी, किचन वाले पे। इसको लिख सकती हूँ मैं परमानेंट वाइट मार्कर से, या टी का डब्बा है, शुगर का डब्बा है, तो सोच रही हूँ कुछ ऐसा करने की, या फिर कुछ पार्ट में इसका कट करके ना किचन में कहीं वॉल पे या फ्रिज पे लगा लूँगी। डेली में क्या चाहिए हम लिस्ट बनाते हैं, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है। तो मैंने ये दो और यूज़ सोचे हैं इसके बच्चों को पढ़ाने के अलावा, तो देखते हैं कहाँ यूज़ करती हूँ इसको। तो अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहते हैं आपको इस टाइप का कुछ लेना, तो आप डेफिनेटली ये भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिए हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड मेरी मेहनत को थोड़ा सफल बना देना। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे और दिखाती हूँ, ये भी आपको काफ़ी देर से दिख रहा होगा वीडियो में, तो इसको भी उठा लेते हैं। अब ये है जी कप, कप लिए हैं मैंने सेरेमिक के चाय वाले टी कप, और ये भी काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट है। अब आप सोचेंगे आज की वीडियो है तो यूनिक प्रोडक्ट की, तो इस कप में क्या यूनिक है, तो कप भी यूनिक है जी, टन टन। तो ये देखो कितने यूनिक से ये कप लिए हैं मैंने, जो ऑर्डिनरी कप नॉर्मल हम यूज़ करते हैं उससे बहुत अच्छे हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है इन प्रोडक्ट्स की, एंड बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हैं। ये देखो 6 हैं, तो 6 कलर के मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे मुझे। इसकी क्वांटिटी आई थिंक 170 ml आता है इसमें, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे से इसका थोड़ा नैरो है माउथ, और पीछे से नॉर्मल जो कप की शेप होती है। फिनिशिंग अच्छी है, प्रिंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। तो आप इन्हें भी परचेज कर सकते हैं अगर आप किचन में कोई यूनिक ऐड करना चाहते हैं इस दिवाली पे, तो मस्ट बाय है ये प्रोडक्ट भी। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, अब दिखाती हूँ मैं आपको अगेन ये क्या है। ओके, तो ये है एक दियो का दिए हैं ये, दिवाली की शॉपिंग शुरू कर दी है मैंने भी। तो ये होने वाले हैं प्लास्टिक के दिए, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इस पे यूट्यूब पे या देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। ये वाटर वाले दिए हैं, पानी से जलने वाले दिए, तो कुछ इस टाइप का आता है ये। यहाँ पे आपको बल्ब लगा हुआ मिलेगा, एंड इसके अंदर ना सेल या कुछ लगा रखा होगा। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको,
हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो सिर्फ ये पॉइंट्स टच हो जाए ना तो इसमें चार्ज हो जाते हैं आपस में ये बैटरी, तो ये जल जाते हैं। इन्हें मैं आपको अभी ट्राई करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट लगा ये भी मुझे। देखो तो जहाँ बच्चे हैं, जहाँ आप चाहते हैं ऐसा कुछ लगाना बट जलता हुआ फायर की वजह से आप नहीं लगा सकते, तो ये वाले प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लगे मुझे, इस दिवाली पे तो मैं बहुत यूज़ करने वाली हूँ ये सब, तो अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे ही हम पानी इसका निकालेंगे ना तो ये भीग जाएगा दिया। फिलहाल इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सेट ऑफ 12 आया है, काफ़ी अफोर्डेबल मिल गया है। एंड अभी ना सेल आने वाली है मीशो पे, तो मे बी इन प्रोडक्ट्स का रेट कम हो जाए। मैं तो पहले ही परचेज कर चुकी हूँ और जिस रेट पे लिया है वो भी आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे। अगेन एक और सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट बचा है, उसके बाद एक और लास्ट, तो दिखा देती हूँ ये। तो ये मैंने क्या लिया, पैकेजिंग बहुत अच्छी आई है। तो ये मैंने लिया है नेल पेंट रिमूवर की मशीन। जी हाँ, मिनी मशीन है ये। इसके साथ ये वायर मिलती है जिसे आप वो चार्जर में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये ऐसे खुल जाता है एंड इसके अंदर ना लाइट्स लगी हुई हैं 6। तो इसको आप रखेंगे और इसके नीचे नेल पेंट लगा के रखेंगे तो विद इन 1 मिनट ड्राई हो जाता है ये, ठीक है जी। तो ये है नेल पेंट रिमूवर ड्रायर मशीन, काफ़ी हैंडी, काफ़ी लाइट वेट है। ये भी अंडर 199 में मुझे मिल गई थी, तो अच्छा प्रोडक्ट है, इसे भी यूनिक सा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपको मिलता है तो ये। तो चलिए जी अब बढ़ते हैं, लास्ट प्रोडक्ट दिखा देती हूँ आपको। तो आज का लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है ये, जो कि एक किचन आइटम है, टोस्टर कह सकते हैं इसको। स्टील के मटेरियल का मिला है, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, देखो बीच में से ब्लैक हो रखा है। हैंडल काफ़ी अच्छा है, वुड का हैंडल दिया हुआ है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हल्का फुल्का नहीं है कि मुड़ जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नीचे चारों ही तरफ आपको ये पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप ना कहीं भी सरफेस पे, मैं दिखा देती हूँ, आप सरफेस पे आराम से इसको रख सकते हैं। तो आप इसको काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसको रोटी सेकने में यूज़ करते हैं, मैंने आपको ना वीडियो शेयर कर दी है, साइड में आप देखिए। कई लोग इसको आप रोटी सेकने में यूज़ करते हैं, आप रोटी सेक सकते हैं या फिर एज अ टोस्ट, कुछ भी टोस्ट करना है, रोस्ट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, इसका जैसे ब्लैक हो रहा है ना तो बीच में से यार ये ब्लैक ही हो जाएगा, कॉमन सी बात है। अब जब डायरेक्ट फ्लेम पे रखेंगे तो ये थोड़ा तो जलेगा ही ना, मतलब ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता है, ये सिर्फ ब्लैक पड़ जाता है। चलिए जी आज के होल वीडियो के सारे प्रोडक्ट मैंने दिखा दिए, उम्मीद करती हूँ आपको कोई ना कोई तो ज़रूर पसंद आ गया होगा। तो अगर एक भी प्रोडक्ट पसंद आया या मेरी मेहनत पसंद आई, इस वीडियो का कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर से जाना ऐसी ही आने वाली वीडियो को इन्जॉय करने के लिए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी बहुत सारा हैप्पी।